नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सीधे रुख करेंगे सूरजपुर का। जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, हमारे यहां के लोकसभा के प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी, हमारे प्रदेश के मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री रामविचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारी पूर्व मंत्री और सांसद और वर्तमान में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री भूलन सिंह मरवाही जी, हमारे श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, श्री राजेश अग्रवाल जी हमारे विधायक अंबिकापुर से, श्री राम सेवक पैकरा जी हमारे वरिष्ठ साथी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी, श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा जी, श्री प्रबोध बिंच जी, राजकुमार टोपो जी विधायक, सम्मानित मंच, सभी मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे पदाधिकारी और वरिष्ठ नेतागण, और यहां सरगुजा में इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, हमारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबले जय जोहार। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज सरगुजा की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है, और जब मैं यहां आया हूं तो सबसे पहले आदिशक्ति मां, आदिशक्ति मां महामाया को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं मां बागेश्वरी, जो बाघ पर सवार हमारी देवी हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब आप लोगों को देखता हूं तो मेरे मन में ये बात जरूर आती है कि सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। मित्रों, ये बात बहुत सच्ची है। मुझे याद है कि नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव में अग्रवाल जी के सभा में शायद मैं आया था, और वो चुनाव की अंतिम सभा थी, और मैंने आपसे वायदा मांगा था कि सिर्फ अग्रवाल जी को नहीं जिताओगे, आप छत्तीसगढ़ में कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे। और अब बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां मतदान से पहले फिर फूटा कांग्रेस का लेटर बम। जी हां, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने विधायक के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा पत्र। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव पर लगाए गंभीर आरोप। रतनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश सूर्या ने जताई नाराजगी। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया, विधायक पर आरोप लगाया। लेटर बम फूटने से कांग्रेस में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। रतनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश सूर्या कोटा विधायक हैं अटल श्रीवास्तव। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, लेटर बम एक बार फिर से कांग्रेस में फूटा है, भगदड़ मच गई है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में लेटर बम जो है वो लगातार फूट रहा है। एक बार फिर से तीसरे चरण के मतदान को महज 2 दिन बचे हैं, और ऐसे में कांग्रेस का एक बार फिर से लेटर बम फूटा है। रतनपुर ब्लॉक अध्यक्ष जो रमेश सूर्या है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को एक पत्र लिखा, और जिसमें लिखा है कि जो कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव है वो उपेक्षा कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से। यही वजह है कि उन्होंने उस पत्र में यह लिखा है कि अगर कोटा विधानसभा में हार होती है कांग्रेस की तो उसकी पूरी जवाबदारी जो है वो अटल श्रीवास्तव की होगी। फिलहाल इस लेटर बम के सामने आने के बाद से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि देवेंद्र यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पहले से यहां पर कांग्रेसियों ने विरोध किया था, और एक बार फिर से लेटर बम फूटने से कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें हड़कंप मचा हुआ। आप देखना यह होगा कि दीपक बैज इस लेटर बम को किस तरीके से लेते हैं, और महज 2 दिन पहले इस तरह के लेटर बम के सामने आने से कांग्रेस को कितना नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। जी रेणु जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से देखिए, आप जब लेटर बम फूटा और
ये एक कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। मतदान से पहले फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने विधायक के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और अब एक बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से, जहां पर 35 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण, हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में जताया विश्वास। सरेंडर करने वाले नक्सली भैरमगढ़ मलांगीर कटेक कल्याण एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे, जिन्होंने हिंसा के रास्ते को छोड़कर अहिंसा के रास्ते में चलने का फैसला किया है। लोन वर्राटू अभियान से जुड़ने का फैसला इन्होंने किया है। और ये देखिए, इनमें महिला नक्सली भी शामिल हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस अधिकारियों के सामने। और अब ये लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण करते हुए मुख्यधारा से जुड़ रही हैं। इसमें महिला नक्सली शामिल हैं, साथ ही जो नक्सली हैं ये अलग अलग कैडर के बताए जा रहे हैं। खूंखार नक्सली भी इसमें शामिल हैं, जो कि कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी सफलता सरकार को लगातार मिल रही है। कुछ दिन पहले भी कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था पुलिस अधिकारियों के सामने। और आप ये देखिए कि इससे कहीं ना कहीं जो नक्सली लंबे समय से सक्रिय थे अलग अलग जगहों पर, उनसे मदद भी मिलती है। नक्सलियों के खात्मे की तरफ सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। जवान लगातार मुठभेड़ में नक्सलियों को मार रहे हैं। और आप देखेंगे महिला नक्सली समेत तमाम जो नक्सली हैं, उन्होंने लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है। हिंसा के रास्ते को छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर चलने का फैसला किया। 35 ये नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्होंने आज पुलिस अधिकारियों के सामने समर्पण किया है। राजनांदगांव में सुलझी मर्डर मिस्ट्री। जी हां, छोटी बहन ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या की। भाई ने बहन को मोबाइल पर बात करने से मना किया था। नाबालिग छोटी बहन ने बड़े भाई की हत्या कर दी। और ये देखिए, महज एक छोटी सी बात थी, मोबाइल पर बात करने से बड़े भाई ने मना किया था अपनी छोटी बहन को। और उसे ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने बड़े भाई की ही जान ले ली, और वो भी बहुत विभत्स तरीके से कुल्हाड़ी से वार करके मौत के घाट उतार दी अपने बड़े भाई को। हालांकि जब ये मामला सामने आया, पुलिस ने तमाम तहकीकात की, खोजबीन की, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार युवक की जान कैसे गई है। और ये मर्डर मिस्ट्री जब सुलझी तो सभी चौंक गए, क्योंकि एक छोटी बहन ने ही अपने सगे बड़े भाई की फोन पर बात करने से मना करने के चलते हत्या कर दी। खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां पर साप्ताहिक बाजार में व्यापारी ने महिला से मारपीट की। मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बीच बचाव में आई महिला से भी मारपीट की गई है। जनकपुर के साप्ताहिक बाजार का यह पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां पर साप्ताहिक बाजार में व्यापारी ने महिला से मारपीट की और मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है। बीच बचाव जो और लोग भी सामने आए थे, उन पर भी इन्होंने हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल महिला को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। बीच बचाव करने आई महिला को भी बुरी तरीके से पीटा गया। जनकपुर के साप्ताहिक बाजार का ये पूरा मामला है। और ये साप्ताहिक बाजार के दौरान दुकानदारों में हालांकि झड़प होती रहती है, बहस होती रहती है, लेकिन कोई विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एक युवक महिला के ऊपर बुरी तरीके से हमला कर रहा है। इसमें महिला बुरी तरीके से जख्मी हुई है और जो अन्य लोग भी सामने आए बीच बचाव करने के लिए, उन्हें भी मारा गया। और ये देखिए तस्वीरें, जब एक युवक दो महिलाओं से भिड़ता हुआ नजर आया है। हालांकि तीनों ही पक्ष इसमें जख्मी हुए हैं। व्यापारी ने महिला को पीटा और क्या कारण थे इस पूरे विवाद के, पुलिस मामले की जांच में है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया है। प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल, उन्होंने दावा किया कि मोदी जी लगातार तीसरी बार पीएम बनेंगे। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया है। प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का माहौल है। उनका यह कहना है कि उन्होंने कि मोदी जी लगातार तीसरी बार पीएम बनेंगे। जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं
कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी राजनेता यहां पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग के खासियत रही। और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया, इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक ये पहुंचाया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया, राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा। लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का ये चुनाव है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी 11 सीटें जीतेगी, ये दावा किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने। उन्होंने कहा कि जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, पहले 2 चरणों की तरह तीसरे चरण में भी बीजेपी को जनता का समर्थन मिलेगा। किरण सिंह देव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस लोगों को बरगलाने का काम करती है। मौजूद है किरण सिंह देव जी। किरण सिंह देव जी, तीसरे चरण चुनाव का आज अंतिम दिन है, 7 सीटों पर चुनाव होना है, क्या देख रहे हैं? पूरी की पूरी 7 सीटों पर जनता का विश्वास प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छे वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जी। मोदी की गारंटी जिस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचा है, क्या लगता है समर्थन उसका मिलेगा? जनता खुश है? मिलेगा? नहीं, मिल गया, मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो 5 से 7 सीटें जीतेगी, क्या लगता है इस पर आपको? क्या कर सकते हैं इसके अलावा, वो बोली क्या सकते हैं? जबकि सारा देश जानता है कांग्रेस ने कभी जनता के हित में कोई कदम नहीं उठाए, सिर्फ झूठे वादे किए हैं। और जब जब जिस जिस जगह पे वे सरकार में आए हैं उस प्रांत को या देश को उस समय और लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार किया है, जनता भूख चुकी है इनसे। कांग्रेस 1 लाख रुपए देने का वादा कर रही, महतारी बंधन का लाभ लोगों को मिल रहा है, कहाँ से देंगे 1 लाख रुपए? किस सरकार में है वो? किस सरकार में है? न छत्तीसगढ़ में है, न केंद्र में है। और देश का बजट कितना है? इनको तो पिछले बार से भी कम सीटों में आएंगे देश में। ये जनता को बरगला रहे, इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। आप बताइए 5 वर्ष में ही जनता इनको क्यों उखाड़ के फेंक देती? क्योंकि सिर्फ झूठे वादे किया इन्होंने और कोई काम नहीं किया। पूरा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार की लपेट में था, जनता इनसे बाज आ गई है निश्चित रूप से, और लोकसभा में भी इसका प्रतिकार करेगी। ये थे किरण सिंह देव जी, जिन्होंने कहा कि 11 की 11 सीटें वो जीतेंगे और समर्थन जनता का भी लगातार मिल रहा है। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है, शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर, डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर होगा चुनाव, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर में होगा चुनाव। 7 मई को होगी तीसरे चरण की वोटिंग, 4 जून को आएंगे नतीजे, और 4 जून का हालांकि बेसब्री से इंतजार रहने वाला है, लेकिन जो तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है 7 मई को, इसके लिए काफी उत्साहित प्रत्याशी नजर आए और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार अपना जोरों शोरों से बना रखा है, कर रहे हैं। और आज शाम 5 बजे के बाद ये शोर थम जाएगा, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही प्रत्याशी कर पाएंगे। और दुर्ग से बड़ी खबर है, क्रेशर खदान में बड़ा हादसा, जहां चेन माउंटेन मशीन में डीजल डालते समय ब्लास्ट हो गया, 3 लोग झुलस गए, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। नंदनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर है दुर्ग से, क्रेशर खदान में बड़ा हादसा हुआ है, चेन माउंटेन मशीन में डीजल डालते समय ब्लास्ट हो गया, 3 लोग झुलस गए, 3 की हालत काफी गंभीर बताई गई है, घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। ये तस्वीरें भी देखिए, हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। नंदनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, खबर दुर्ग से है।
तो वही जगदलपुर से बड़ी खबर है, के रेल लाइन पर लैंडस्लाइड हो गया, मालगाड़ी के इंजन पर गिरा बड़ा पत्थर। जी हां, बोडवारा और शिवलिंगपुरम के बीच यह हादसा हुआ है। रेल लाइन पर आवागमन ठप हो गया, जगदलपुर से जाने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनें रोक दी गई हैं और इससे जो यात्री हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। हालांकि अब जो टीम मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू टीम, इस पत्थर को हटाने के लिए, अब चूंकि कहा यह भी जा रहा है कि ट्रेन के आसपास और भी कुछ बड़े पत्थर रेल लाइन पर बिछे हुए हैं, गिर गए हैं, उन्हें भी हटाने का काम होगा, लेकिन ये बड़ा पत्थर है जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और इस इंजन में भी कुछ नुकसान हुआ है और इसके चलते जब तक उसे सही नहीं किया जा सकेगा रेल लाइन बाधित रहेगी। साथ ही न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है, देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवालों के देने जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। और अब सवाल है, अपने बयानों के चलते विवादों में फंसे नेता कौन है? देखिए तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, काफी विवादों में रहे हैं ये नेता अपने बयान के चलते। QR कोड स्कैन करिए आप या फिर आप दिए गए नंबर पर 9990898918 पर मिस्ड कॉल करके भी आंसर कर सकते हैं। शहडोल में एसआई की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की गई, आरोपियों का घर पर चला बुलडोजर। जी हां, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। जमोड़ी गांव के लिए प्रशासन की टीम रवाना हो चुकी है, ट्रैक्टर चालक राज रावत के घर पर चलेगा बुलडोजर। मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह और आशुतोष सिंह का भी घर तोड़ा जाएगा। बुलडोजर लेकर पहुंच रहा है जिला प्रशासन, एसडीएम, एएसपी, तहसीलदार समेत भारी मात्रा में पुलिस बल रवाना किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं शहडोल से, जहां पर एएसआई की हत्या मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और जो दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे एक अभी भी फरार है। वहीं आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर, जामोड़ी गांव के लिए प्रशासन की टीम रवाना हो चुकी है, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए टीम नजर आएगी। ट्रैक्टर चालक राज रावत के घर पर चलेगा बुलडोजर, मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह और आशुतोष सिंह का भी घर तोड़ा जाएगा। बुलडोजर लेकर पहुंच रहा है जिला प्रशासन, एसडीएम, एएसपी, तहसीलदार समेत भारी मात्रा में पुलिस बल रवाना हो चुका है। और अब बात करेंगे भिलाई इस्पात प्लांट में बड़ा हादसा, प्लांट के SMS 3 में हुआ हादसा जहां लेडल के पंचर होने से आग लग गई और समय रहते हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं है, गनीमत हुई कि इसे अब समय रहते बुझा लिया गया वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। भिलाई इस्पात प्लांट का ये पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं जहां लेडल के पंचर होने से आग लग गई और इस आग को समय रहते काबू में कर लिया गया वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। गनीमत यह कि ना कोई हताहत हुआ है ना कोई जानमाल का नुकसान हुआ है, समय रहते इस आग को बुझा लिया गया। और धमतरी से अब खबर है जहां धमतरी में रेत खदान में खनिज विभाग की छापेमारी, डोनर और लड्डे रेत खदान में मारा गया छापा, चैन माउंटेन मशीन और एक हाइबा को भी जब्त किया गया है, ठेकेदार को भी नोटिस थमा दिया गया है। अवैध तरीके से चल रहा था रेत का खनन, आप ये देखिए कि अवैध तरीके से रेत का खनन तो हो ही रहा था, साथ ही जो चैन माउंटेन मशीनें और हाइबा का इस्तेमाल हो रहा था उन पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद उनके माध्यम से काम हो रहा था। यहाँ पर जो काम करते हैं लोग उनकी जान को भी खतरा रहता है और रेत खदान में खनिज विभाग ने छापा मारा, मशीनें जब्त कर ली गई हैं और अब जो ठेकेदार है उसके खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है। साथ ही बड़ी खबर दुर्ग से जहां महिला के घर घुसकर गाली गलौज और मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद किया है। शातिर बदमाश अमित जोश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी के खिलाफ 49 मामले दर्ज हैं, आरोपी को जल्द किया जाएगा जिला बदर। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, खबर आपको दुर्ग से दे रहे हैं जहां महिला के घर घुसकर गाली गलौज और मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया। और अब जगदलपुर शहर के प्रमुख चांदनी चौक को वन वे रोड कर दिया गया है, बढ़ते ट्रैफिक के दबाव के चलते जिला प्रशासन ने कदम उठाया, फिलहाल एक हफ्ते तक इसे ट्रायल बेस पर किया गया है। व्यापारियों ने इसका विरोध किया है, व्यापारियों का ने कहा कि इससे उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि शराब की दुकानों के कारण यहाँ ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है, लेकिन प्रशासन ने बीच चौक से
शराब की दुकान को हटाने के बजाय वन वे रोड कर दिया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।